अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मुस्लिम नौजवानों पर दीन हनीफ को संभालने की जिम्मेदारी, नौजवान कौम व मिल्लत का असासा। सदर मजलिस अपने पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का जलसे यौमुल कुरान से तारीखी मक्का मस्जिद में खिताब। मरकजी हुकूमत की जानिब से असातिज़ा को दी जाने वाली सहूलतों का खैर मकदम, नायब वज़ीरे आला तेलंगाना के श्रीहरी का बयान। वज़ीरे आज़म हिंद, गौ रक्षकों पर लगाम लगाएं, गौ रक्षकों की शरंगेजियों की सख्त मजम्मत। सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी ने मुल्क के सियासी हालात पर दिया बयान। वज़ीरे आला के सीआर का सेक्युलर कायद होने का दावा खोखला, एनडीए के सदारती उम्मीदवार की ताईद पर तेलंगाना कांग्रेस ने की कड़ी तनकीद। अब खबरें तफसील से। दोनों तेलुगु रियासतों के वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव और नारा चंद्रबाबू नायडू नई दिल्ली में सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाबात के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जानिब से दाखिल की गई पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मौके पर मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के वज़ीरे आला चंद्रबाबू नायडू ने पर्चे नामजदगी का दूसरा सेट दाखिल किया, जबकि रियासती वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव ने पर्चे नामजदगी पर दस्तखत किए। दोनों रियासतों के वज़ीरे आला चंद्रशेखर राव और एन चंद्रबाबू नायडू नई दिल्ली में सदर जमहूरिया हिंद के इंतखाब के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जानिब से पर्चे नामजदगी दाखिल करने के मौके पर वहां मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के वज़ीरे आला एन चंद्रबाबू नायडू ने पर्चे नामजदगी का दूसरा सेट दाखिल किया, जबकि वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव ने पर्चे नामजदगी पर दस्तखत किए। वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव ने बाद अज़ां बताया कि एनडीए ने एक माहिर खानूनदान और दलित कायद को उम्मीदवार बनाया है, इसलिए टीआरएस एनडीए उम्मीदवार की तायद कर रही है। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने बताया कि सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए एनडीए ने आरएसएस से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियत को उम्मीदवार बनाते हुए इस मुल्क को फिरकावाराना रंग देने की शुरुआत की है, जिसके बाद मुल्क में अखिलियतों का रहना दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि रामनाथ कोविंद ने कहा था कि इस मुल्क में इस्लाम और ईसाई मजहब अजनबी हैं। साबिक मरकजी वजीर एस जयपाल रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए एनडीए हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने बताया कि सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए एनडीए ने आरएसएस से ताल्लुक रखने वाले और कट्टर बीजेपी कायद को उम्मीदवार बनाते हुए इस मुल्क को फिरकेवाराना रंग देने की शुरुआत की है। उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया कि अब इस मुल्क में अकलियतों का रहना और भी दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि रामनाथ कोविंद ने कहा था कि इस मुल्क में इस्लाम और ईसाई मजहब अजनबी हैं। उन्होंने तमाम सेकुलर अरकान पार्लियामेंट और अराकीन असम्बली से इस बात की अपील की कि वो यूपीए उम्मीदवार मीरा कुमारी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। సిపిఎం ప్రభుత్వం కేరళలో ఉంది, వాళ్ళు ఏం చేయాలా? మమతా బెనర్జీ ఏం చేయాలా? వాళ్లకు సత్సంబంధాలు అక్కర్లేదా? రాజ్యాంగం ఉంది దేనికయ్యా? గ్రామ పంచాయతీకి ఉండే అధికారం గ్రామ పంచాయతీకి ఉంటుంది, జిల్లా పరిషత్కు ఉండే అధికారం జిల్లా పరిషత్కు ఉంటుంది, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుకుంటే అధికారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుకుంటుంది। ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద భూకుంభకోణం అయితే
మేము సిపిఐ కోరుతున్నాం సిపిఐ కోరిన ఎందుకు ఒప్పుకోడు ఎందుకంటే ఆయన అధికారం ఉంది సిపిఐ సిపిఐ కావాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకోవాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार की ताईद करने की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि एक तरफ तो केसीआर अपने आप को सेकुलर कायद बताते हैं लेकिन दूसरी जानिब वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार की तायद करने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने बताया कि एक तरफ केसीआर अपने आप को सेक्युलर कायद बताते हैं और उनकी इस बात पर भरोसा करते हुए रियासत की अवाम ने टीआरएस के हक में वोट का इस्तेमाल करते हुए टीआरएस को बरसर इख्तदार पर लाया था, जबकि दूसरी तरफ केसीआर ने पहले ही खुफिया तौर पर बीजेपी से मफाहमत कर रखी थी और अब आजादाना तौर पर एनडीए उम्मीदवार की ताईद का ऐलान किया है। మూల సిద్ధాంతాల మీద ఎన్నిక జరుగుతుంది. ఈరోజు ఒక సైడు ఒక ఆర్ఎస్ఎస్ యాక్టివిస్ట్, ఒక సైడు మరి సెక్యులరిజం కి డెమోక్రసీకి ప్రతీక బీలా కుమార్ గారు, ఈ రెండింటి మధ్య కేసీఆర్ గారు ఎటు ఓటు వేస్తాడో ఎటు ఓటు వేయిస్తాడో అది అతని ఫండమెంటల్ బిలీఫ్స్ కి తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా చూడబోతుందని చెప్పి పనిచేస్తున్నారు। वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने इसरो PSVC-38 की कामयाबी पर मसर्रत का इजहार करते हुए इसरो के तमाम जिम्मेदारों और साइंसदानों को अपनी जानिब से और तेलंगाना की आवाम की जानिब से मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आला केसीआर ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह की मजीद कामयाबियां जारी रहेंगी। सदर मजलिस व रुकने पार्लियमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आमतुल मुस्लिमीन पर जोर दिया है कि वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में बची रातों को इबादत में गुजारें और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के मौजूदा सियासी हालात पर तबसरा करते हुए गौ रक्षकों को इंतबाह दिया कि वो अपनी शरअंगेजी बंद करें। उन्होंने वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो इन गौ रक्षकों पर लगाम लगाएं। सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमान हमेशा ही से मुहिब्बे वतन रहा है और इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने हर तरह की कुर्बानियां दी हैं। सदर कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आमतुल मुस्लिमीन पर जोर दिया कि वो रमज़ान मुबारक की नेमतों और बरकतों को इन आखिरी अयाम और खासकर रातों में इबादत के जरिए हासिल करें। बैरिस्टर ओवैसी तारीखी मक्का मस्जिद में जलसे यौमुल कुरान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि वो कौम व मिल्लत का असासा है और उनके कंधों पर अपने दीन हनीफ को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है और वो इस जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़ें। सदर मजलिस ने इस्लामी तारीख के अहम वाकियात अहादीस मुबारक का हवाला देते हुए कहा कि जब भी दीन इस्लाम पर आंच आई नौजवानों ने अपने किरदार के जरिए और अपनी हिम्मत व इस्तकलाल के जरिए साबित कदम रहे। उन्होंने मुल्क के सियासी हालात पर तबसरा करते हुए गौ रक्षकों को इंतबाह दिया कि वो अपनी शर अंगेजी बंद करें और मुसलमानों पर मजालिम करना बंद करें। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की कि वो इन गौ रक्षकों को रोकें। सदर मजलिस ने कहा कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को अपना वतन माना है और जुल्म व सितम के बावजूद भी अपना मुल्क छोड़कर कभी नहीं गए। उन्होंने सवाल किया कि क्यों मुसलमानों से बार बार हुब्बुल वतनी को साबित करने के लिए जोर दिया जाता है,
जबकि मुसलमान हमेशा से ही अपनी हुब्बुल वतनी का सबूत देते आ रहे हैं। उन्होंने एनडीए की जानिब से सदर जमहूरिया हिंद के लिए नामजद किए गए उम्मीदवार को लेकर की जा रही तारीफों की भी सख्त मजम्मत की। के लिए सब कुछ कुर्बान किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने जिना के पैगाम को ठुकरा दिया, हमने सावरकर को ठुकराया, जिना को ठुकराया, हमने कहा नहीं हिंदुस्तान हमारा है, यह ख्वाजा अजमेरी का मुल्क है, यह तौहीद परस्तों का मुल्क है, यहां पर हमने हजारों साल जहां बानी हुकूमत की, यहां पर हमारे असलाफ की चप्पे चप्पे पर निशानियां हैं, हम पाकिस्तान को नहीं गए, हम हिंदुस्तान में रहे, मगर हमको मारा जा रहा है। क्रिकेट मैच होता है एक मामूली सा, वो भी हमारी वफादारी का इम्तिहान हो जाता है। अरे पाकिस्तान जीतती तो मुझे क्या करना, मेरी जूती के बराबर। हम पाकिस्तान को उस वक्त ठुकरा दिया, अब क्या करना है पाकिस्तान से। अगर हमारे बच्चे नहीं जीते हमको भी तकलीफ है। हम भी चाह रहे थे कि विराट सेंचुरी मार ले, नहीं मारा। हम भी चाह रहे थे कि शमी खेल लेता तो शमी शामी कमाप बना लेता, पाकिस्तान को आप नहीं खिलाए। मैं भी चाहता था जीत जाए, मगर वो इम्तिहान कहां से होगा मेरी वफादारी का, मेरी वफादारी का इम्तिहान कहां, कब तक लोगे तुम। मैं पाकिस्तान को ठुकरा दिया क्योंकि मौलाना आजाद ने कहा था, जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। मैंने कहा नहीं गुजारेंगे, वतन हमारा है। तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, हमने कहा नहीं, मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा। हाशिमाबाद में तुमने हमको गोलियां मारकर फेंक दिया, अब तक उसका इंसाफ नहीं हुआ। हमारा मुल्क है, हमने मुल्क को बर्दाश्त किया, मुल्क हमारा है। हमने मुल्क को कहा नहीं, मुल्क हमारा। बंबई के गलियों पर रोडों पर तुमने 900 लोगों को मार दिया, हिंदुस्तानी मरे ना, इंसाफ नहीं हुआ। मगर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हम आज भी लगाते और कल भी लगाएंगे। और जब बात बंबई की निकली, मुंबई के ब्लास्टों में 260 लोग हिंदुस्तानी मारे गए, 100 लोगों को सजा हो गई, उसमें याकूब मेमन को फांसी भी हो गई। मगर जो बंबई के फसाद उससे पहले हुए थे, 900 लोग मर गए थे, एक को भी सजा नहीं हुई। बताओ ये कौन सा इंसाफ है। तुम बोलते सऊद्दीन ओवैसी की जबान कड़वी क्यों है, ये तुम्हारी नाइंसाफी मेरी जबान को कड़वी करती है कि 900 मर गए, एक को सजा नहीं मिल सकती, एक को सजा नहीं मिल सकती, यह आपका इंसाफ है। हुकूमत करने वालों, यह तुम्हारा इंसाफ का पैमाना। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या क्या कुर्बानियां हम नहीं दिए और देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान की सालिमियत पर खतरा आने नहीं देंगे, आंच आने नहीं देंगे। मैं मजम्मत करता हूं जो कल कश्मीर में जो डीएसपी पुलिस ऑफिसर को मारा गया, लिंच कर दिया गया, मैं मजम्मत करता हूं उसकी। यह काम नहीं करना चाहिए था, गलत काम हुआ। मगर कश्मीर की पॉलिसी क्या है मिस्टर मोदी आपकी, कौन सी कश्मीर की पॉलिसी आपके पास है, आपकी और महबूबा की हुकूमत है, कौन सा महबूब कारनामा आपने अंजाम दे दिया कश्मीरी, बताओ। हां आपके टीवी चैनल आपका बाजा रोज बजाते हैं 9 बजते की, मगर उनके बाजा बजाने से हकीकत छुप नहीं सकती, सच्चाई नहीं छुप सकती। मेरे भाई इंसाफ की जब बात आई, यही मक्का मस्जिद है, वही जगह है जहां पर लोग शहीद हुए थे। असीमानंद को बेल हो गई, असीमानंद को बेल हो गई, और आप अपील नहीं करते मिस्टर मोदी। असीमानंद को बेल हो गई मिस्टर मोदी, आप अपील नहीं करते। जो लोग मिस्टर मोदी से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, मिलके मेरे को बोलते हो इसी साहब हम मिल के आए, मेला मुबारक, क्या बोलूं आप। कभी ये भी तो पूछते कि असीमानंद की बेल के खिलाफ अपील हो जाती, मगर हम जेलों में सड़ते हैं,
जेल को ला रहे हैं तो एनकाउंटर कर दिया जाता है, मगर इंसाफ है तुम्हारा इंसाफ कि मैं तबाह बर्बाद हो रहा हूं, निस्तो नाबूद करने की तुम्हारी साजिश और कोशिश है, मगर याद रखो मैं खत्म होने वाला नहीं हूं। सुन लो, जो ये आजम लेकर आए हैं कि हमको खत्म कर देंगे, नहीं, तुम मेरी तारीख को नहीं जानते। हजरत बिलाल को गरम गरम रेत पर, गरम गरम पत्थर सीनों पर रख दिए गए। मैं हजरत बिलाल का नाम लेवा हूं जिन्होंने अहद अहद का नारा लगाया। तुमने पाक दामन हजरत सुमैया पर नेजा मारा, वो मेरी अम्मा है, मैं उनकी कुर्बानी को भूलने वाला नहीं हूं। यासर को तुमने रस्सियों में बांध कर जिस्म के दो टुकड़े कर दिए, मैं यासर का नाम लेवा हूं। तुम हजरत कबाब को फांसी के फंदे पर चढ़ाया तो उन्होंने मुस्कुरा कर उसका मौत का सामना किया। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, याद रखो, तुम मेरे हौसले को दबा नहीं सकते। हां, तुम एक असदुद्दीन ओवैसी की जान ले सकते, मगर तुम 14 करोड़ 17 करोड़ फर्जंदाए तौहीद की हिम्मत और हौसले को खत्म नहीं कर पाओगे। हम हिंदुस्तान में थे और रहेंगे, ये हमारे बाप का मुल्क है और बाप के मुल्क में हम शान से रहेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे जो हिंदुस्तान का दस्तूर हमको दिया है। हम यहां पर किराएदार नहीं थे, ना किराएदार बनकर रहेंगे, ना तुमको मालिक मांगेंगे, हम बराबर है तुम्हारे साथ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, हम साथ रहेंगे, बरसों से साथ रहती आए, साथ रहेंगे। और फिर लतीफा तो यह है कि एक जज साहब रिटायर होने के दिन एक फैसला दिए, अच्छा है, मगर हैरत अंगेज बात मेरे को समझ में नहीं आई, मोर बच्चे कैसा पैदा करता मालूम आपको? मोर, जज साहब बोले, या लॉर्डशिप बोले, लॉर्डशिप बोले कि मोर क्या करता, जाके मोरनी के आंसुओं को चूस लेता, कहते बस बच्चा होगा। मैं बोला ओफो, ये तो साइंस की नई तहकीक है, ये नई डिस्कवरी है, नोबल प्राइज। मैं फौरन नेहरू जूलॉजिकल पार्क में, कोई उनको बोला देखे टीवी पे, तो उन्होंने बोले असद साहब आपके पैर पर तो फोन रख दो, आप मालूम क्या बोलने वाले। मैं नहीं, मोर कैसा पैदा होता? अरे बोले नरे जान दो साहब, आप फोन रखो। नहीं भाई बता मेरे को। बोले कहीं रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे फोन को? बोला नहीं रिकॉर्ड मैं नहीं करता। बोले गलत बोले, मैं जो लोग कह रहे हैं कि गाय को काटने पर फांसी दी जाए, मैं उनसे अदबन कहना चाह रहा हूं कि सरकार आप अपनी गवर्नमेंट से बोल दो 1 लाख करोड़ का बजट में प्रावधान कर दे, प्रोविजन कर दे, सब ठीक हो जाएगा। ले लो आप 1 लाख करोड़ रख दो, बोलो कि हर स्टेट को 5,000 करोड़ खाली गाय के प्रोटेक्शन के लिए। पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, किसान खुदकशी कर रहा है, मगर खुदकशी क्यों कर रहा है उनके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। मोदी सरकार के 3 साल में 40,000 किसान खुदकशी कर लिए, मगर अच्छे दिन की बात होती है, अच्छे दिन की बात होती है। मध्य प्रदेश में फायरिंग से लोग मारे जाते, अच्छे दिन की बात होती है। अरे कभी किसानों की तो बात कर लो आप, मगर नहीं, किसानों की बात नहीं करेंगे। मोर आंसू पी लिया, बच्चे पैदा हो गए, क्या बात है यार, क्या बात है, अब क्या बोलेंगे हम घर को जाके नहीं मालूम। बहरहाल मेरे भाई, अजीब गरीब हालात से मुल्क गुजर रहा है, मगर मैं आप सच कर रहा हूं, डरने और घबराने की बात नहीं। अच्छा, अहम बात, सदर जमहूरिया का इलेक्शन आ गया, अब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो 2010 में एक बयान दिए, क्या बयान दिए कि मुसलमान और ईसाई इस मुल्क के नहीं है। अंग्रेजी में कहा कि मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आर एलियन टू दिस नेशन, यानी हमारा ताल्लुक ही नहीं है। मिस्टर मोदी, आप ऐसे आदमी को
फिर आप लोग बोलेंगे अरे वो 2010 में बोला मैं, तुम कहीं को बीच में बोल रहे हो, खत्म करो पुरानी बात मत करो, तुम क्यों पुरानी बात करते। अरे मेरे भाई, जब ऑन रिकॉर्ड कोई बात कही गई और फिर मजलिस इलेक्शन लड़ी, बिहार में गई, उत्तर प्रदेश में गई, तो बोले क्यों आ रहे हैं यहां पे, सेकुलरिज्म को क्या करेंगे। अब मैं पूछना चाह रहा हूं, नीतीश कुमार, लालू ड्रामेबाज, कांग्रेस एक साथ, नीतीश कुमार मोदी की तायीद कर रहे हैं और कांग्रेस और लालू नीतीश के साथ इख्तदार में है, मुझ पर उंगली उठाने वालों इस सवाल का जवाब दो। मैं अगर सियासत कर रहा हूं तो अपनी जात के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं एक मजलूम कौम के इंसाफ के लिए सियासत कर रहा हूं, मैं मुसलमानों के हक दिलाने की सियासत कर रहा हूं, जो तुम सेकुलरिज्म के नाम पर हमको भिखारी बनाकर रख दिए, फसादात में हमको तबाह बर्बाद कर दिए, बच्चे स्कूलों में नहीं है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नायब वज़ीरे आला कड़ियम श्रीहरि ने मरकजी हुकूमत की जानिब से असातिज़ा को दी जाने वाली सहूलत का खैर मकदम करते हुए कहा कि इस सिलसिले में वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव ने नुमाइंदगी की थी। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने रियासत के मसाइल की यकसोई और आंध्र प्रदेश को दी गई इमारतों को वापस करने का तय खून दिया है। ఈ రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న ఉపాధ్యాయుల సర్వీసులను ఏకీకృతం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకొని రాష్ట్రపతి ఆమోదం కొరకు పంపించడం చాలా సంతోషకరం. రాష్ట్రపతి గారు కూడా నిన్ననే ఉపాధ్యాయుల ఏకీకృత సర్వీసులకు ఆమోదం తెలిపినట్టుగా తెలిసింది. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న వేలాది మంది ఉపాధ్యాయులకు ఒక శుభవార్త అని చెప్పడంలో నాకు ఎలాంటి సందేహం లేదు. గడిచిన 20 సంవత్సరాలుగా ఉపాధ్యాయ సంఘాలు ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా పదోన్నతుల కొరకు పోరాటాలు చేస్తున్నారు. అది ఈ రోజుకు ఫలితాన్ని ఇచ్చింది. ఈరోజు ఈ ఫలితం రావడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వము ఉపాధ్యాయుల ఏకీకృత సర్వీసులకు ఆమోదం తెలపడానికి ప్రధానమైన కారణం తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారి చొరవ. అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న बीजेपी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने यूपीए की जानिब से साबिक स्पीकर मीरा कुमारी को सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए मुनक्किद होने वाले इंतखाबात पर उम्मीदवार बनाते हुए कांग्रेस की जानिब से इस बात का दावा करना कि कांग्रेस ने दलित खातून को उम्मीदवार बनाया है, इस पर किशन रेड्डी ने इस बात का सवाल किया कि अगर कांग्रेस दलित खातून को सदर जमहूरिया बनाने में संजीदा थी तो फिर क्यों प्रणब मुखर्जी की बजाय उन्हें सदर जमहूरिया नहीं बनाया गया। बीजेपी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने यूपीए की जानिब से साबिक स्पीकर मीरा कुमारी को सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के लिए मुनक्किद होने वाले इंतखाबात के लिए उम्मीदवार बनाते हुए और इस बात का दावा करना कि कांग्रेस ने दलित खातून को उम्मीदवार बनाया है पर शदीद तनकीद की। बीजेपी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने सवाल किया कि अगर कांग्रेस दलित खातून को मुल्क के जलीलुल कद्र ओहदे पर फायज करने में संजीदा थी तो फिर क्यों पहले प्रणब मुखर्जी की बजाय मीरा कुमारी को सदर जमहूरिया हिंद मुंतखब नहीं किया गया और अब जबकि मीरा कुमारी की शिकस्त यकीनी है दलितों से हमदर्दी का ढोंग कर रहे हैं। ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी 23 जून को ओलंपिक डे रन 2017 का अहतमाम किया गया, जिसमें ओलंपिक एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन श्रीनिवास रेड्डी, एसीपी चारमीनार डिवीजन अशोक चक्रवर्ती ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। साउथ जोन से शुरू की गई इस दौड़ में तकरीबन 16 स्कूल्स के तलबा ने शिरकत की और चारमीनार का एलबी स्टेडियम इस दौड़ का अहतमाम किया गया।
قائد مجلس اکبر الدین اویسی اپنے حلقے چندران گٹے کے مختلف ڈویژنز میں منعقد ہونے والی افطار پارٹیوں میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے تحت قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے جنگمیٹ ڈویژن میں واقع مسجد عثمان غنی میں منعقدہ دعوت افطار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹر سرگرم مجلسی کارکنان کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں مختلف مقامات پر دعوت افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے تحت کرماگوڑہ سعید آباد میں منعقد کی گئی دعوت افطار میں مجلسی اراکین اسمبلی احمد بلالہ، ممتاز احمد خان، مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر سرگرم مجلسی کارکنان کے علاوہ روزہ داروں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ گلوری گروپ آف انسٹیٹیوشن کی جانب سے طالبات کے لیے شب قدر کی اہمیت اور رمضان کی فضیلت کے عنوان سے جلسہ منعقد کیا گیا، جس میں مفتیہ اور عالمہ نے طالبات سے خطاب کیا۔ اس موقع پر منعقدہ جلسے تقسیم اسناد میں تلنگانہ ایسوسی ایشن دمام کے جنرل سیکرٹری ذوالفقار ادیب نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور ڈگری کالج کی ٹاپرز طلبہ میں میڈلز اور اسنادات کی تقسیم عمل میں لائی۔ ڈائریکٹرز گلوری گروپ سید اظہر اور محمد حسین نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور تہنیت بھی پیش کی۔ سید اظہر نے بہترین مظاہرہ کرنے والی طالبات کو مبارکباد بھی پیش کی۔ حیدرآبادی لوگ دنیا کے جس کونے میں جاتے ہیں وہاں اپنی تہذیب کو زندہ رکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے قابل تخلیق بن جاتے ہیں۔ اسی طرز پر سلطنت آف عمان کے علاقے امیرات میں حیدرآبادی برادری کی جانب سے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں کئی عمانی شہریوں کے علاوہ دوست احباب و دیگر نے شرکت کی۔ شاکر الناصر بلوشی، محمد معین الدین صدیقی اور سید مظہر، ڈائریکٹر گلوری کالج نے اس دعوت افطار میں مہمانوں اور شرکا کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر روزہ داروں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ کلزم پورہ کے علاقے بانجواڑی میں ایک خاتون نے اپنے شوہر پر وزنی پتھر ڈالتے ہوئے قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق 49 سالہ سروجا اور 53 سالہ وشوناتھ میں اکثر و بیشتر جھگڑا ہوا کرتا تھا، کیونکہ وشوناتھ شراب پینے کا عادی تھا اور حالت نشے میں وہ اکثر جھگڑا کیا کرتا تھا۔ جمعے کو وشوناتھ جب حالت نیند میں تھا تب اس کی بیوی سروجا نے وزنی پتھر ڈالتے ہوئے وشوناتھ کا قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی کلزم پورہ پولیس نے نعش و غرض پوسٹ مارٹم روانہ کیا اور کیس درج کرتے ہوئے ضابطے کی کارروائی انجام دی۔ سر، گڈ ایوننگ انسپکٹر کلسم پورا۔ یہ آج شام میں اراؤنڈ اباؤٹ 4:30 کو ہمارے کو میسج آیا، اپنا بانجی واڑی میں وائف مرد کو مارے بڑھ کے سر کے اوپر مارے بڑھ کے، سو اس میں وائف کا نام ہے بی سروجا، وائف آف وشوناتھ، ایج 50 ایئرس، آکوپیشن یہ روٹی بیچ کے، روٹی کر کے انہوں روٹی وے کرے روٹی بیچتی ہے، بانجی واڑی میں رہتی ہے۔ سو ان لوگوں کو ایک بچہ انیل بول کے ہے اور ایک بچی سریمتی ارونا، دونوں کی شادی بھی ہو گیا۔ وہ ایک بچہ انیل اوپر میں رہتا ہے اور بچی نارائن کھیڈ میں رہتی ہے۔ تو وائف اینڈ ہسبینڈ یہاں بانجی واڑی میں رہتے، انہوں ڈیلی پی کے آنا اور وائف کو مارنا، اور وہ ایوری ڈے یوز ٹو کنزیوم لیکر اینڈ آ کے مارتا تھا وائف کو۔ تو انہوں برداشت کر لے کے نہیں کر لے کے آج سو آج ڈیسائڈ کر لی شام میں، لگبھگ شام میں 4:00 انہوں پی کے سو گئے تو ان کا جورو
नीचे से बोल्डर लाके सर के ऊपर मारे इमीडिएटली हम उनको ओजीएच भेजे तो बीच में ही मर गया। सो दिस इज द केस एंड इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोग्रेस। जो मारे ना अरेस्ट हो गए सर, उसकी वाइफ अरेस्ट, वाइफ को अरेस्ट कर लिए, गिरफ्तार कर लिए। क्या एज है सर उसका? उसका नाम है बी सरोजा, वाइफ ऑफ विश्वनाथ, एज 50 इयर्स, 50 साल है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुस्लिम नौजवानों पर दीने हनीफ को संभालने की जिम्मेदारी, नौजवान कौम व मिल्लत का एहसास था। सदर मजलिस पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का जलसे यौमुल कुरान से तारीखी मक्का मस्जिद में खिताब। मरकजी हुकूमत की जानिब से असातिज़ा को दी जाने वाली सहूलतों का खैर मकदम, नायब वज़ीरे आला तेलंगाना के श्रीहरि का बयान। वज़ीरे आज़म हिंद, गौ रक्षकों पर लगाम लगाएं, गौ रक्षकों की शरंगेजियों की सख्त मजम्मत। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क के सियासी हालात पर दिया बयान। वज़ीर-ए-आला के सीआर का सेक्युलर कायद होने का दावा खोखला, एनडीए के सदारती उम्मीदवार की ताईद पर तेलंगाना कांग्रेस ने की कड़ी तनकीद। नाज़रीन ओवर न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ ओवर न्यूज़ यहाँ इख्तिताम पज़ीर होती है। ओवर न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।